एसएस राजमौली की ट्रिपल आर साल 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन जापान में यह अभी भी जलवा दिखा रही है। वहाँ फिल्म के थिएटर्स में 513 दिन पूरे हो चुके हैं। एसएस राजमौली पिछले कुछ दिनों से जापान में ही हैं, जहाँ वो अपने ट्रिपल आर की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। फिल्म ने ऑस्कर में तो अपना नाम डंका बजवाया ही था और अब जापान में भी जलवा दिखा रही है। अब हाल ही में ट्रिपल आर को जापान में ब्रॉडवे थिएटर के रूप में दिखाया गया। राजमौली की इस फिल्म को जापान की 110 साल पुरानी थिएटर कंपनी ने अपडेट किया। राजमौली को यह देख खुशी से फूले नहीं समाए, उन्होंने सबको आभार जताया। राजमौली ने बताया कि जापान की 100 साल से अधिक पुरानी थिएटर कंपनी ताकाराजुका ने उनकी फिल्म ट्रिपल आर को एक म्यूजिकल प्ले के रूप में अपडेट किया और इस पर परफॉर्म किया। एसएस राजमौली भी इस प्ले को देखने पहुंचे थे। उन्होंने ताकाराजुका थिएटर कंपनी के मेंबर्स के साथ कुछ तस्वीरें एक्स पर शेयर की। इस थिएटर कंपनी में सारे फीमेल मेंबर ही हैं। एसएस राजमौली ने एक वीडियो में शेयर किया जिसमें वह दर्शकों के बीच खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे और जापानी भाषा में थैंक यू बोल रहे हैं। पूरा थिएटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्टेज पर खड़े एक्टर स्माइल कर रहे थे और बेशुमार प्यार देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। म्यूजिकल प्ले के बाद लोगों ने एसएस राजमौली को अटेंडिंग ऑक्शन भी दिया। वही कुछ दिन पहले 83 साल की एक जापानी फैन ने एसएस राजमौली को 1000 और गेमिंग क्रेंस बनाकर गिफ्ट किए थे, जो गुड लुक के लिए माने जाते हैं।